गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी कॉम इंडिया। आई एम भावना। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक होम रेमेडी जिससे आप पा सकते हैं ग्लोइंग ब्यूटीफुल और वाइट स्किन। आपको करना क्या है, जब हम दूध उबाल लेते हैं और उसके ऊपर एक मलाई की जो लेयर आ जाती है, आपको क्या करना है, जस्ट आपको हाफ टेबल स्पून वो मलाई लेनी है उस दूध के ऊपर से। और आपने वो मलाई को क्या करना है, हल्का हल्का सा कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पे और अपने नेक पे जो है लगा लेना है। और उसके बाद उसको क्या करना है, सर्कुलेशन मोशन यानी इस तरह से सर्कुलेट करते हुए इस तरह से आपको मसाज देनी है चीक्स पे और आईज में। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो रिंग फिंगर होती है, इससे आपको जो क्या करना है, आईज जो ये अंडर आई एरिया है, अपर आई एरिया है, इस तरह से जो है आपको यहाँ पे मसाज देनी है। और जो आपकी नेक है, नेक पे आपको अपवर्ड मसाज देनी है, इस तरह से अपवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आप मलाई लेंगे उससे आपको इस तरह से ये स्टेप फॉलो करते हुए आपको अपने फेस की मसाज करनी है रात को सोने से पहले। मीन्स जब आपको बेड पे जाना है तब आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें, फेस वॉश या सोप जो भी आप यूज करते हैं उससे आप वॉश कर लें। और उसके बाद आप क्या करें, आधा चम्मच मलाई लेके आप इन स्टेप को फॉलो करते हुए मसाज करें, यानी मसाज के आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और अच्छे से जो है 5 से 10 मिनट आप अपने फेस की मसाज करें और उसके बाद क्या करें, आप सो जाएं। और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे और आपको अपना फेस देखेंगे, आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे होंगे। और तो गाइस, जब आप मॉर्निंग में फेस वॉश करेंगे तब आपको कोई भी सोप या फेस वॉश का यूज नहीं करना है। जो आपने नाइट में मलाई लगाई है, बस आपको उसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके अलावा आपको कुछ भी उस दिन यूज नहीं करना है। आपको जो सोप है वो उससे नेक्स्ट डे से आपको यूज करना शुरू करना है। तो मलाई का यूज करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, नंबर फर्स्ट, आपकी जो स्किन है वो व्हाइटनिंग हो जाएगी। नंबर टू, आपकी स्किन जो है वो नेचुरल ग्लो करने लगेगी। नंबर थ्री, आपको किसी भी अगर प्रोडक्ट से, हार्श केमिकल से स्किन में एलर्जी हो गई है तो आपकी वो ठीक हो जाएगी। नंबर फोर, मलाई जो है वो नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करेगी, इसके बाद आपको कोई भी क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर फाइव, अगर आपको सन टैन हो रखा है या सन बर्न हो रखा है तो मलाई का यूज जब आप रेगुलर वे से करेंगे तो आपका सन टैन भी जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपकी ड्राई स्किन है देन मलाई जो है बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगी आपकी स्किन पे। लेकिन किसे मलाई नहीं लगानी है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको मलाई का यूज नहीं करना है, क्योंकि मलाई का यूज करने से क्या होगा, आपकी स्किन के ऊपर एक और जो है ऑयली फैटी लेयर जो है बन जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा जो है पिंपल्स और निकल आएंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो प्लीज आप जो है मलाई का यूज कम्प्लीटली अवॉइड करें। मलाई का यूज जो है ड्राई स्किन वालों को और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को ही सिर्फ करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for many more videos related to beauty. And guys, अगर आपको कोई भी doubt हो आप comment section में पूछ सकते हैं, I will definitely reply you. या आप मेरे को direct message कर सकते हैं मेरे Instagram account पे, जिसका link मैं आपको description box में दे रही हूँ। आप वहाँ मुझे follow करें और आप मुझे वहाँ पे direct message करके कुछ भी अपने doubts clear कर सकते हैं। मेरा एक और channel भी है, मैं उसका link भी आपको जो है description box में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके मेरी बहुत सारी video देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू। तब तक के लिए बाय बाय।